नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के चलते बुलंदशहर में शहर के व्यस्तम चौराहे कालेआम पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस जन जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 18 जनवरी से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। इसका मकसद विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सड़क सुरक्षा के संबंध में आम लोगों को जागरूक किया जाना है। इसी के तहत बुलंदशहर में जिला अधिकारी ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक RTO सहित जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा व्यापारी सुरक्षा फोरम के जिला अध्यक्ष राकेश मित्तल, अनुज अग्रवाल, मुकुल गोयल व जिला कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी ने अपने सिर पर कैप लगाकर चौराहे से निकल रहे लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम के बारे में जानकारी दी और दुर्घटना में होने वाली मौतों से बचाव के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट जैसी जरूरी चीजों के प्रयोग करने के लिए भी जागरूक किया। बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, क्या उद्देश्य है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ से सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया है और वहाँ भी एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाया गया है। इस अवसर पर हम लोग बुलंदशहर में अभी बाइक रैली को हरी झंडी दिखाते हुए आप लोगों के माध्यम से समस्त लोगों से अपील करते हैं कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। हम संबंधित विभाग जो परिवहन विभाग है उनसे भी हमने निर्देशित किया है कि जितने भी सड़क सुरक्षा नियम हैं, ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी नियम हैं, उनको स्ट्रिक्टली पालन करें। जो रोड निर्माण एजेंसी है, चाहे वो जिला पंचायत हो, PWD हो, RES हो, नगर पालिका हो, उनसे रोड निर्माण की क्वालिटी और उसमें जितने भी साइंस एंड सिम्बॉल होते हैं उनको इम्प्रूव करने के बारे में अपील करते हो। समान लोगों से ये अपील है कि आप सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और अपने अपने परिवार और आसपास के लोगों के जीवन को सुरक्षित। सर, बाइक रैली में लगभग कितनी बाइकें शामिल होंगी? आपने देखा लगभग 100 बाइक के आसपास थी और अभी गाड़ी भी है। हमारा जो अवेयरनेस जनरेशन के लिए एक वाहन है जो कि सातों तहसील में एक महीने तक लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों में जागरण। धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।